दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे। इधर तांबे का एंटीना लगा हुआ है, अर्थिंग किया हुआ है। दोस्तों, ये जो तांबे का एंटीना दिखा रहा है, जैसे बिजली चमकती है तो उसको अर्थिंग करने के लिए है, तो ग्राउंड में अर्थिंग कर दिया है। और ये सोलर पैनल लग गया है। हम वीडियो में जानते हैं कि कितने किलोवाट का लगा है, कितना क्या लगा है और ये कैसे क्या है, इसका सिस्टम क्या है। दोस्तों, आज हमारे वहाँ सोलर पैनल लग गया है। हम जानेंगे इसकी विधि, कैसे इसे लगता है, कैसे इसका इंस्टॉलेशन होता है। दोस्तों, आज लग रहा है सोलर पैनल, पहले आपको दिखाते हैं खूबसूरत वादी। यह है दोस्तों पैनल और ये एंगल वगैरह। यहाँ पर अर्थिंग पॉइंट बनेगा। जी के बैग आए हैं, यहाँ पर अर्थिंग पॉइंट बनेगा अभी सोलर पैनल के लिए। तो सोलर पैनल लग गया है लगभग, अभी एक पैनल और लगना है। सारे पैनल लग चुके हैं, अब वायरिंग होनी है और है, थोड़ी वायरिंग हो गई है। मान लो सर फिटिंग वाले भी उससे दिखा रहा हूँ, कल महादेव का दिखा रहा हूँ, ये कत्तम फिट है। कम भी डालने में भी चल जाएगा, तो खास में मैंने कह रहा है कि इसको तुम डालना चाहो ना यहाँ तक डाल सकते हो, तो ना चाहो तो यहाँ तक भी डाल सकते हो, तो ज़रूरी नहीं कि पूरा ही बैठा। हाँ ठीक है, सप्लाई है ना, देखिए कौन डाल के भी डाल के छोटे वाले हैं, बड़े वाले लैग की उसमें उसके हाँ सर जी तारे का कहाँ लगता है का
हाँ हाँ नहीं रहते बारह नंबर की बेट निकाली जल्दी लाओ जरा संजय प्लास लिया और वायर लिया ऊपर को यही है हाँ मिट्टी तो बह जाएगी ना नीचे वो गहरा है मिट्टी तो बह जाएगी ये देखना है जरा गहरा चले जाए थोड़ा तब मिट्टी जाए डाल दिया केमिकल सब में तीन डाल दिए मतलब दो डाल दिए हां एक केमिकल पूरा पड़ जाएगा ये हां इस गड्ढे में
पन्नी भी काटनी है ये भूल जाओ उस टाइम के तरह। जकड़ लेगा नीचे जाता रहा केमिकल से। इन्वर्टर के लिए वायरिंग हो गई है, एमसी भी लग गई, इधर भी लग गई है दूसरी। इन्वर्टर लग गया है हैवेल्स का। अरे बल कब तो कनेक्शन कहाँ है? कनेक्शन है पैनल ही हो। अच्छा इन्वर्टर हुआ है, इन्वर्टर पैनल। थोड़ी लंबी रखना क्योंकि अभी दिक्कत होती है। और पैक हो गई एक बार बस। अच्छा अरे फ्लैक्स पाइप दे थोड़ा काट के दे थोड़ा इतना ही काट दूँ। केमिकल का कट्टा इधर कर दो भैया। भैया केमिकल का कट्टा, ओ केमिकल का कट्टा इधर कर दो भैया। एक एलवेंट, एक बैंड उठा देना एलवेंट। कट्टा इधर पटक दो, एक केमिकल का यहाँ पर रख दो। रख लोगे हाल होगे? दस किलो का ही है। अरे उठा यार, अरे यार फिर नीचे आना पड़ेगा। इधर को पकड़ाओ बस हल्का। अरे उठ भाई यार, यार क्या कर रहे हो? अरे नीचे से उठा दो यार तुम। अरे यार कैसे रखते हैं यार, एक्सेलरेट देना मोमेंट के लिए। ब्रेक रोक ले थोड़ा। अरे ये होंगे उठा कर वो के। अरे थोड़ा काम करके अपने लिए कहा होल्डर ना टूटे। हाँ ये होल्डर ना टूटेगा। और खींचो खींचो उधर वाले में लग गया है। बात हो गया हो गया।
आपके पास देखिए थोड़ी। हाँ 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 अरे वो तो एसी वायर है, उसमें क्या दिक्कत है। अलग कर ले यार, ये सब तो बाद में ही कर लेगा यार। हद हो गई थी, इतनी देर हो गई है। काम निकाले, काम खत्म ही हो गया। हो गया सर, कर ना। ये क्या कर रहा है, ऐसा मोड़ लगा रहा है। पाइप हटा ले, कोई दिक्कत नहीं। और खींचो, ठीक हो गया। हाँ इसमें पड़ गया है केमिकल। गुरुजी आपने नहीं दिखता बोला है। अभी यहीं रख देना, हो जाएगी हो जाएगी। वहां तक अभी यहीं रख दो। हाँ वहीं डाल देता हूँ। हाँ वहीं डाल दो। रोड कार्ड के देखिए कर दी। इसमें रोड लगेगा तांबे की, जैसे हमने पहले देखा था, पहले लगी थी। ये ऊपर भैया पंकज भैया, एक बैंड टैग देना और एक टी बैंड, एक एल बैंड। अबे इसमें लगाना है बदल। जब उसमें नहीं जा रहे ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। काम पूरा करके जाया करो भाई, साफ सीधी बात है। अबे और क्या कर रहा हूँ मैं, काम नहीं कर रहा हूँ क्या? काम हम कर रहे हैं तो मैं कर दूंगा, तो अपने गड्ढे तो कर लो बस। उसी के पैसे तो रुपए पड़े हैं। ये है मत कर आदमी। अरे यार ये भी तो करवाओ कोई भाई। उसके लिए अलग से कह रहे थे ना, वो तो जो आपने
यहाँ पर इन्वर्टर के लिए बन रहा है। अच्छा ये खोल राइट भी यहीं पर लगेगा मीटर नीचे जहाँ पे था वहीं पे जा नीचे भी अच्छा प्लेट, इसमें तांबे की प्लेट लग जाएंगी और ये अर्थिन के लिए गड्ढे बना दिए हैं। वायरिंग हो रही है अभी देख लेना है नहीं तो ले लेना है उसका कागज।